साथियों, अहिंसा कॉन्वर्सेशंस लाइव के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। डिसोम के अपने सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और पैगाम के दोस्तों का फिर से शुक्रिया जो हमारे साथ अहिंसा कॉन्वर्सेशंस के साथ रहकर ये लाइव प्रोग्राम करने में बिल्कुल नॉट केवल सहायक, वो तो रीढ़ की हड्डी हैं इन लाइव प्रोग्राम्स के, तो उनका मैं पहले ही शुक्रिया कर दूं। तो व्यूअर्स से मेरा वेलकम टू ऑल व्यूअर्स एंड योर मोस्ट वेलकम इन दिस लाइव सेशन। परहैप्स यू हैव सीन द प्रीवियस सेशन विद अदर सेट ऑफ डिसोम फेलोज। टुडे वी विल कंटिन्यू द सिमिलर डिस्कशंस विद दीज न्यू फोर प्रॉमिसिंग यंग फेलोज ऑफ द डिसोम फेलोशिप प्रोग्राम। तो मैं फिर से आज बीरेन जी का स्वागत करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वो संक्षिप्त में आज की ऑडियंस के लिए, जो शायद पहले अगर जिन्होंने नहीं आपकी बात सुनी, तो डिसोम फेलोशिप क्या है और वो कैसे शुरू हुई, थोड़ा संक्षिप्त में हमें बता दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू रजनी जी, और फिर से एक बार मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अहिंसा कॉन्वर्सेशन लाइव जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं लाइव और बाद में भी देखेंगे, उन सबको मेरी ओर से और डिसोम द लीडरशिप स्कूल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। डिसोम एक शब्द है जो झारखंड के आदिवासी समुदायों से हमने लिया है, और इसका मतलब ये होता है कि वो जगह जहाँ पर हमारी रूह, हमारी आत्मा बसती हो, द होम लैंड ऑफ आर सोल। तो वो ऐसी जगह जो मेरा गांव भी हो सकता है, और मैं अगर नज़र फैलाऊं तो पूरी दुनिया भी हो सकती है। तो ये हमारे थॉट से, हमारी सोच से काफ़ी रेजोनेट हुआ, काफ़ी मिलता जुलता था कि हम क्यों लोगों को और समुदायों को और देशों को हम क्यों दुई में देखे, क्यों अलगाव करके लोगों को देखे, क्यों एक इकाई में ना देखे, नॉट इन अ यूनिटी। वी नीड टू सी थिंग्स इन द वननेस ऑफ इट ऑल। तो और ऐसी ही लीडरशिप, ऐसा ही नेतृत्व की परिकल्पना हमने किया था, तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। इसका मेन मकसद है कि कैसे हम एक नैतिक नेतृत्व का निर्माण हम कर सके जो सेवा भाव से समाज के लिए समर्पित हो। ऐसे लीडर्स जो, जैसे गांधी जी ने कहा था कि जो वो तानाशाही को मैं कबूल करता हूँ, जो एक ही तानाशाही को मैं कबूल करूंगा, और वो है मेरे अंदर की एक छोटी सी शांत स्थिर आवाज को, the still small voice within, and that's the only tyrant I will subject myself to. तो क्या हमारे लीडर्स जो सार्वजनिक क्षेत्र में आएंगे, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो सोशल वर्कर्स हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे पोलिटिकल स्पेसिस में हो, क्या ऐसे लीडर्स अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उस रास्ते पे चलने का हौसला और प्रेरणा रख सकते हैं क्या, और लोगों को जोड़ सकते हैं क्या, दुनिया में जितने भी डिवाइड्स है उस पे एक ब्रिज बना सकते हैं क्या? Can we build bridges across the world's divides? And can we think of the last person in the line? एक सेवा भावना से, you know, the concept of servant leadership. तो ये हमने ऐसा एक सोचा, ये 15 महीने का फुल टाइम प्रोग्राम, absolutely free for participants, and we also offer a small fellowship amount as an encouragement for them to come and spend 15 months with us. और हमारा पहला बैच जस्ट हाल ही में 15 जून को हमने फिनिश किया था, और ये जो चार आज I call them gems because these are rare people who have given so much time and are committing a lifetime of work for a purpose larger than self. तो आज हम इन चारों से सुनेंगे, उनके तजुर्बे, उनके अनुभव, उनकी सोच, तो आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि डिसोम में क्या परिवर्तन पॉसिबल है। तो आई थिंक आई स्टॉप हियर। माय नेम इज बीरेन, मैं मुंबई में रहता हूँ, और मैं डिसोम द लीडरशिप स्कूल, हमारी एक कोर टीम है, हम 16 लोग हैं इस कोर टीम में,
और मैं उस कोर टीम का एक हिस्सा हूँ. आई विल रिक्वेस्ट आवर फेलोज टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स वन बाय वन. मे बी आशा कैन स्टार्ट. बढ़िया, वेलकम आशा जी, आपका बहुत दिल से स्वागत है, आपका परिचय सुनने के लिए सब उत्सुक हैं जी. ओवर टू यू. सबको नमस्ते, मेरा नाम आशा, मैं मैसूर कर्नाटक से हूँ. मैं बीसोम ज्वाइन करने से पहले एक ट्राइबल रिसर्च में रिसर्च इन्वेस्टिगेटर काम करती थी, और मैं एक स्टूडेंट यूनियन भी चलाती हूँ स्पेशली ट्राइबल लोगों के लिए, तो हायर एजुकेशन के लिए उनको प्रमोट करने के लिए. और अभी अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो युवा चेतना फाउंडेशन, वो भी ट्राइबल यूथ में कैसे लीडरशिप प्रमोट कर सकते हैं और हायर एजुकेशन के लिए कैसे हम लोग मदद और सपोर्ट कर सकते हैं, ये मेरा परिचय. थैंक यू. ये डिसोम स्कूल की तरफ आपका कैसे मन बना, थोड़ा वो भी बताइए. ये मतलब डेमोक्रेटिक लीडरशिप में आप अपने आप को तैयार करना चाहती हैं, थोड़ा ये कहाँ से ये आपके मन में इच्छा जागी, ये बताइए. मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट में काम करती थी, तो उसमें मुझे लगता था मतलब कुछ चीज मिसिंग है मेरे काम में. तो फिर मैं टीआरआई में आ गई थी, तो उसमें एक सिस्टमैटिकली कैसे लोगों को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वो समझ पाई हूँ. तो उसमें भी मुझे कुछ मतलब स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ, उसमें भी इंसानियत में ढूंढ रही थी, कुछ मिस हो रहा है, मुझे इंटरनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे. तो मैं किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं मानती थी, मुझे आइडियोलॉजी के बारे में इतना ये नहीं था, मतलब कनेक्टेड नहीं था. तो मेरा सोच की वजह से कुछ आइडेंटिटी बनाया था, सो वो मैं नहीं थी. सो उस समय दिसोम आया, बहुत रिलेट कर पाई मेरे लिए, मतलब मैं क्या चाहती थी, किस कनेक्शन बनना चाहती थी, वो उसके लिए एक स्पेस मिला है, इसलिए मैं दिसोम ज्वाइन किया. वो स्पेस अभी भी जारी है, इन फ्यूचर भी जारी रहते हैं, मेरा अगला जनरेशन के लिए भी मैं जारी रखूंगी. थैंक यू. नेवेश जी, आप अपनी बात, अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से आते हैं और आप इस राह पे कैसे लगे. सबको नमस्ते. मेरा नाम नेवेश है और मैं गोरखपुर से हूँ, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जिला है जहाँ से मैं पला बढ़ा, मेरी शिक्षाएं पूरी हुई. फिर उसके बाद से मैं दिल्ली गया, दिल्ली में रह के आगे की शिक्षा, और फिर वहाँ जाके मैंने बाकी मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी. वहां से फिर मेरा रुख सोशल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ा, समाज में जो चीजें चल रही हैं उसकी तरफ मेरा रुख गया कि इसकी तरफ मुझे कुछ अलग करना है. फिर काम करते मेरा जो काम वहाँ पे, एज अ मैंने सेक्सुअल हेल्थ काउंसलर काम किया, एज अ जेंडर एजुकेटर, फिर इन द फील्ड ऑफ राइट्स ऑफ क्वेयर पीपल, इन लोगों के लिए काम करते करते मैंने देखा कि अलग से धारा की तरह वो चल रही हैं. फिर मैंने मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें लिखा हुआ था दिसोम द लीडरशिप स्कूल के बारे में, और जितनी भी मेरे मन में चीजें थी एक एक कोट से लेकर के एक एक लाइन, वो इतना मेरे वाइब इतना रिलेट कर पाया कि मुझे लगा कि नहीं यहाँ ज्वाइन करना. उसका सबसे बड़ा कारण था सच, जो उसमें गांधी की बातें लिखी हुई थी, अम्बेडकर की बातें लिखी थी, लेकिन जो ट्रुथ की बात उसमें लिखी हुई थी कि हमें अपना सच जानना है हमें, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव, क्योंकि ये दुनिया में इतना ज्यादा झूठ भरा हुआ है और उसकी तरफ इतने हम डाइवर्ट हो रहे हैं, तो मेरी जो यात्रा है, मेरी जो जर्नी, उसमें सच का बहुत बड़ा रोल है. तो फिर मैंने उसकी तरफ अपना रुख किया और मैंने दिसोम को ज्वाइन किया. और इस समय जो मेरी उस बीच में काम के दौरान मेरा मुख्य अभी काम चल रहा है वो एनवायरमेंट को लेकर के, एनिमल राइट्स को लेकर के, स्लम एजुकेशन को लेकर के, और मैं एक होलिस्टिक काउंसलर और लाइफ कोच की तरफ मैं अपना काम कर रहा हूँ. सॉरी नेवेश जी, एक मिनट. एक साथी का कुछ जो कनेक्शन है वो म्यूट पे डालना पड़ेगा जी. ये नेवेश, आप जानते हैं ये किसका कनेक्शन है? इट इज जस्ट सेइंग डिसोम द लीडरशिप. आई थिंक बिरेन बिरेन जी. ओके,
थैंक यू सॉरी चलिए जी जी गो अहेड नमिश। हाँ तो मैं बता रहा था कि फिर मेरी जो यात्रा में अभी इस समय मैं एनवायरनमेंट के लिए एनिमल राइट्स के लिए कैसे मैं ट्रेलर की तरह आगे अपनी यात्रा बढ़ा पाऊँ एक लाइफ कोच की तरह, अभी ये मेरा चल रहा है। थैंक यू, मैं विक्रम को टैग करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया छतुर्भुज जी, आपकी कहानी आपका परिचय। जी नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम जी मेरा नाम चतुर्भुज अहिर है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। यहाँ पे एक तहसील है रामगंज मंडी, जहाँ का धनिया और कोटा स्टोन बहुत फेमस है, तो मैं उसी जगह से आता हूँ। और बेसिकली मैंने मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन पूरा यहीं रहकर कोटा जिले में ही की है, और उसके बाद काफी संघर्ष में जीवन रहा, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी हुई बीच में, और स्कूल चलाता हूँ अभी एक, और एक आईटीआई कॉलेज है, दोनों को रन करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में इसी बीच में थोड़ा पॉलिटिकल जर्नी भी स्टार्ट हुई, तो यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा और यहाँ से असेंबली प्रेसिडेंट ना, फिर एक राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है, कांग्रेस का ही एक अंग है, जिसका प्रदेश सचिव के रूप में अभी मैं कार्यरत हूँ, और साथ में सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं फील्ड में, मिल जुड़कर लोगों की हेल्प मदद करते हैं जो भी होता है बनता है। बहुत खूब विक्रम जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, मेरा नाम विक्रम है, मैं गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वैसे मेरा जन्म तो हुआ पाकिस्तान बॉर्डर के पास के एक गांव में, और बाद में एक ये पालमपुर करके एक बड़ी सिटी है, वहां से जब वहां पे आए और देखा समझा तो पता चला कि काफी एक बड़ी सिस्टम है, और जिसको कभी काफी लोग जाने बिना ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तो ये सिस्टम में आने से जैसे जैसे परिचित होता गया तब कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन था, और टीचिंग के लाइफ में टीचिंग के एक करियर से जुड़ा, टीचिंग किया एक साल तक, पर वहाँ पे भी वो जो एक चेंज की जो एक अंदर कुछ था वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। और उसी टाइम ये डिसॉम मोमेंट से जुड़ा, मतलब वो सुना उसके बारे में, तो लगा कि कहीं ना कहीं ये वो प्लेटफॉर्म हो सकता है या ये वो जगह हो सकती है जो कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर कुछ न कुछ मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ, तो कहीं ये जगह जो हो सकती है जहाँ मुझे एक रास्ता मिल सकता है। और वो हुआ, ये 15 महीने की जर्नी में अभी एक मुझे लेंथ और लाइन मिली कि आगे क्या करना है और कैसे करना है, और जो चेंज की बात करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये मेरी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से हुई ये मेरा। तो जैसे कि हम लोग पहले शुरू करने से पहले ये बात हो रही थी कि इस जो ये जो प्लेटफॉर्म है अहिंसा कॉन्वर्सेशंस का, इसमें हम अहिंसा के प्रति निष्ठा जरूर रखते हैं, लेकिन हम हिंसा और अहिंसा के विडंबनाओं को पूरी ओपननेस, मतलब एक खुलेपन से सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक तरफा जो है वो प्रोपोगेंडा का कोई भी हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर इंसान को अपनी तरह से अहिंसा और लोकतंत्र दोनों की अपनी अपनी एक बड़ी पर्सनल परिभाषा हर इंसान की होती है, तो वो आप चारों की क्या है। विक्रम जी आप ही से शुरू करते हैं कि आपके अपने जीवन में अहिंसा का क्या मतलब है, और दोनों उस वो अगर आपको प्रेरित करती है तो क्यों, और उसमें कठिनाइयां दिखती हैं तो वो क्या हैं, और सेम फॉर लोकतंत्र डेमोक्रेसी के आकर्षण क्या हैं और उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं आपके लिए। तो मैं लोकतंत्र और अहिंसा को देखता हूँ। अगर लोकतंत्र कि एक परिभाषा तो सबको पता है, लोकतंत्र क्या है वो सब जानते हैं, पर अगर मैं उसे देखता हूँ कि एक लोकतंत्र मेरे लिए क्या है, तो
एक लोकतंत्र मेरे लिए ये है कि मैं लोकतंत्र को एक माहौल देखता हूँ, एक सिस्टम देखता हूँ, या वो एक ऐसा माहौल तैयार करना जहाँ पे हर एक पर्सन को वहाँ पे संपूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से उसको वहाँ पे खिलने का मौका मिले, अपनी हर एक कैपेसिटी, अपनी एक कैपेबिलिटी जो है वो वहाँ पे अपने आप को परिपूर्ण कर सके, अपनी जो भी उसके में कौशल्य है वो वहाँ पे यूज कर सके। और वो माहौल सिर्फ हम देश के संदर्भ में ना देखे, वो माहौल को मैं अपने परिवार, क्योंकि परिवार का भी, परिवार में हर एक बच्चा होता है तो हर एक बच्चे को भी वहां पे खेलने का मौका मिल जाए, हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उसको परिवार से लेकर हम उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे दिशाओं के मीनिंग को कहा कि जैसे उसका दायरा बड़ा कर सकते हैं, वैसे मैं भी देखता हूँ कि ये जो माहौल है, ये लोकतंत्र जो एक प्रैक्टिस है जो इसको हम बड़े तरीके से देख सकते हैं, तो ये लोकतंत्र और अहिंसा उससे मैं अलग करके नहीं देखता हूँ कि उसके साथ ही ये जुड़ी हुई है। उसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अहिंसा भी उससे है कि ये जो चीजें हैं उसको कैसा माहौल देना या उसको अपॉर्चुनिटी देना या कोई भी उसको जो उसके राइट्स है या जो भी चीज है, वो चाहे परिवार में हो उसको बोलने का अधिकार हो या उसकी जो भी उसको कैसे कपड़े पहनने, कैसे रहना है, कब सोना है, ये सारी चीजों में उसको अगर हम कहीं ना कहीं रोकते हैं या सिर्फ उसको दबाने की कोशिश करते, वो परिवार में हो, देश में हो या दुनिया में कहीं पे भी हो, तो ये चीजें मैं देखता हूँ कि क्या मैं ये प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ और क्या ये प्रैक्टिस मैं अपने जीवन में कर रहा हूँ और ये प्रैक्टिस कैसे मैं अपनी निजी लाइफ में, ये अहिंसा मैं अपने लाइफ में फॉलो कर सकता हूँ क्या, ये लोकतंत्र मैं अपने निजी जीवन में क्या मैं दे सकता हूँ, क्या मैं अपने ब्रदर को, अपने बड़े भाई को और छोटे भाई को क्या इक्वल ट्रीटमेंट दे सकता हूँ क्या, या मैं अपने फादर को और मदर को इक्वल देखता हूँ क्या, या कहीं भी बाहर जाने की परमिशन के टाइम में किससे पूछता हूँ, या फिर मैं क्या वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मेरे परिवार में डेमोक्रेसी, जिसको मैं लोकतंत्र हम जिसको बोलते हैं, वो कैसे मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ और डेफिनेटली बाद में उसको गांव में, समाज में, हर एक जगह पे देख सकते हैं, पर मैं अपने आप में पहले देखने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरे लिए लोकतंत्र है कि क्या मैं अपने निजी जीवन से, और अहिंसा भी उसी से जुड़ी हुई है कि क्या वही चीजों में मैं कहीं ना कहीं किसी का हक नहीं मार रहा हूँ, क्या मैं किसी को अपने बायस की वजह से, अपने प्रेजुडाइस की वजह से किसी को बड़ा या छोटा समझने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी अपनी समझ इन दोनों पे यही है जी। बहुत खूब, बहुत खूब। ये कई जो 108 कॉन्वर्सेशंस हुई हैं रिकॉर्डेड पहले हमारी पहली सीरीज में, उसमें ये कई एक्टिविस्ट्स ने भी और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि अहिंसा के बिना तो लोकतंत्र संभव ही नहीं है। तो आपने बहुत बारीकी से अपनी जिंदगी से जोड़कर उस बात को हमें समझाया, उसके लिए शुक्रिया। आशा जी आप क्या कहती हैं? आशा जी अगर आपको अंग्रेजी में सुविधा हो तो प्लीज दोनों भाषाओं में आप अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल मिक्स करके बात करती हूँ। हाँ हाँ जरूर, व्हाटएवर मेक्स यू कंफर्टेबल। आई विश, ये हमारी कमी है कि हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप कन्नड़ में बोलिए और हम ट्रांसलेट करवा लेंगे, बट प्लीज फील फ्री, आपको अगर कुछ कन्नड़ में कहना है तो वो भी कहिए और फिर हमें उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए, प्लीज गो अहेड। एक्चुअली मेरे लिए मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है, मैं वो सोच पा रही थी क्या चीज इंक्लूड करता है, तो वो ही है मेरे लिए डेमोक्रेसी है। तो मैं सोच पा रही थी स्पेशली दिसोम ज्वाइन करने से पहले मैं खुद एक्सक्लूड फील कर रही थी, मैं ये सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, तो बहुत सारे चीज मुझे ऐसा मतलब एक अनसीन वायलेंस होता है ना, तो वो दिखती नहीं है, तो उनका प्रभाव मेरे से ऐसा पड़ा हुआ था, मतलब मैं ये सिस्टम से बाहर हूँ, तो वो चीज मुझे बार बार याद आ रहा था। थैंक यू रजनी जी, मैं आज मेंशन करना चाहती हूँ आपका सेशन के वजह से मैं जान पाई मैं कितना हद तक मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ सिस्टम से, तो वो जान पाई। अभी मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ तो मैं पहले इंक्लूड करूँ, तो मेरा एक्शन में इंक्लूड करूँ लोगों को, मेरे सोच में इंक्लूड करूँ लोगों को,
तो मैं क्या थिंक करती हूँ उसको उसमें इंक्लूड करूँ लोगों को पहले, बाद में मैं दूसरा लोगों को बोल सकती हूँ आप इंक्लूड नहीं कर रहे, तो वो चीज मेरे लिए डेमोक्रेसी है। मैं अभी स्पेशली दिसम खत्म होने के बाद मैं घर में कुकिंग बनाती हूँ, मतलब खाना पकाती हूँ, उसमें मैं पूछती हूँ, मेरा सिस्टर का छोटा बच्चा है उनको पूछती हूँ आप क्या खाती हो, तो वो क्या खाना चाहती हो, तो वो बोलते हैं ना, वो बोलने से कुछ तड़का मिलता है उसमें उनका, मतलब वो भी हैप्पीली खाता है, तो वो मुझे उससे ही प्रैक्टिस हो रहा है, मतलब कितना हद तक मैं प्रैक्टिस कर पा रही हूँ खुद पे। और अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम डिजाइन कर पा रही हूँ, तो उसमें मैं सोच रही थी स्पेशली यूथ के बारे में, सो मैं गई थी, मैं उन बात सुन पाई, मतलब उनका ओपिनियन उनका कंसेंट लेके उनका क्या थॉट है वो मैं इंक्लूड कर पा रही हूँ। तो क्या चीज हमको इंक्लूड करते है वही मेरे लिए डेमोक्रेसी है, तो मेरे लिए अहिंसा ही है। कनेक्टिविटी का इशू है, वेट करेंगे अपन, आ जाएंगे। रजनी जी, व्हाइल वी आर वेटिंग, जो आशा जिसका जिक्र कर रही थी, आप दिसोम की जर्नी में आप भी शामिल थी और आपने हमारे फेलोज के साथ एक इंटरेक्शन किया था वेर यू टॉक्ड अबाउट गांधी एंड दैट इंसिडेंट वेर ही वाज पुश्ड आउट ऑफ द ट्रेन। मेरे मैं आपको बाद में बुलाती हूँ इसके कहानी के लिए जरूर। सॉरी आशा जी, गो अहेड आशा जी, आर यू बैक? शी हैव टू रीकनेक्ट। ओके बिरेन, प्लीज गो अहेड, थैंक यू। आशा जी 2 मिनट, चलिए आप, नहीं आशा जी आप ही पूरा करिए बात को, प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं इंसान के बारे में और थोड़ा बताना चाहती हूँ, स्पेशली एक डैम का वजह से हमको 4 जनरेशन पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसमें सही तरीके से हमको बेनिफिट नहीं मिल पाए, तो अभी हम लोग ऐसा फेस कर रहे हैं जनरेशन, हमको दफन करने के लिए भी जगह नहीं है, तो वो दिखते नहीं है हम लोग, मतलब सिस्टम बोलता है ना, तो हम लोग कुछ दे दिया है हमको, वो यूज नहीं हो पाया है, तो अभी हम लोग स्पेशली मैं 4th जनरेशन हूँ, तो हम लोग फेस कर रहे मतलब दफन करने के भी जगह नहीं है, तो वही मैं बोल पा रही थी, ये दोनों को अहिंसा और राजनीति को कनेक्ट करके, तो मैं ऐसा समझ पा रही हूँ, तो एक ट्रेन चलने में 2 पटरी का कैसे मतलब इक्वल जाना है, तो वही है 2 अहिंसा और राजनीति, एक पटरी में मतलब थोड़ा इधर उधर हो गया तो सीधा से नहीं चल पाते, तो राजनीति और अहिंसा, तो मतलब हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको कनेक्ट करके किससे चल पाता है वही बहुत जरूरत है अभी का समय में, तो मैं ऐसे डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाती हूँ, राजनीति अलग है अहिंसा अलग है, तो हम लोग बोलने के लिए डेफिनेशन देने के लिए बोल सकते हैं अलग है, बट इतना इंटरलिंक है दोनों के बीच में, तो हम लोग अलग नहीं कर सकते, इन केस हम लोग अलग करने के लिए कोशिश कर रहे तो वायलेंस डेफिनेटली है, यही मेरा बात है, थैंक यू। बहुत खूब, थैंक यू। अच्छा बीरेन जी, बिफोर वी गो टू नेविश एंड विक्रम, सॉरी एंड चतुर्भुज जी, बीरेन आप अपना हमारे कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ बता रहे थे, प्लीज आप अपनी बात पूरी करिए। या तो मैं कह रहा था कि आपने एक इंटरेक्शन किया था हमारे फेलोज के साथ इस जर्नी में, और आपने एक प्रसंग का जिक्र किया था जब गांधी जी को ट्रेन से पुश आउट किया गया था, एंड ही स्पेंड द होल नाइट एट सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग, एंड हाउ ही डिड नॉट सकम टू दिस फीलिंग ऑफ विक्टिमहुड, इट ही कुड हैव इजीली गॉन टुवर्ड्स दैट, एंड वो जब आपने एक्सप्लेन किया और बहुत ही विविडली आपने उसको बताया था, तो आशा स्टिल एंड आशा वॉज रिफरिंग टू दैट session of yours, जहां पर the penny dropped for her and उस बरसों का एक victimhood का feeling जो बोल रही थी अभी भी कि that sense of being excluded
why does it happen to me, why does it happen to my community. बहुत छोटी सी कम्युनिटी से आते हैं और कई बार डिस्प्लेस्ड हुए हैं, पहले काबिनी डैम के लेकर फिर टाइगर रिजर्व का जब डिक्लेयर होता है तब फिर आपको डिस्प्लेस किया जाता है. तो दिस पेंट अप फीलिंग ऑफ विक्टिमहुड, शी कुड सी दैट दैट इट इज हैपनिंग टू हर, शी कुड डील विद इट एंड नाउ शी इज बीन ट्राइंग एंड आई थिंक to a large extent she has overcome that. So thanks to you Rajni for making that happen. मैं तो खाली पोस्टमैन हूँ भाई, चिट्ठी पहुँचाने का खाली मेरा काम है, वो चिट्ठी तो उन्होंने लिख के छोड़ गए. पोस्टमैन पे दो मिसरे मुझे याद आ रहे हैं. सीधा साधा डाकिया जो आपके लिए नजर है, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान. देखिए क्या बात बोली है निदा फाजली ने, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान. तो आप ऐसे पोस्टमैन हो तो क्या बात है. थैंक यू, थैंक यू. नेविश प्लीज आइए, आपकी बात सुने. तो मैं अहिंसा को मैं सीधे सीधे जोड़ता हूँ अपरिग्रह से. मैं पूरी यात्रा में मैंने जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी है पूरी दिसून की यात्रा में वो अपरिग्रह है, मिनिमलिज्म. तो इसको मैं देखता हूँ कि अगर मैं मिनिमलिज्म को प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसका मतलब मैं कंजम्पशन की तरफ ज्यादा नहीं करूँगा, और इस पार्टिसिपेशन से प्रकृति जो मेरे आसपास है, जो पर्यावरण है, जो जानवर है, जो आसपास मेरे लोग रहते हैं, उन सब पे बहुत फर्क पड़ता है और उसका सीधे असर मुझ पर पड़ता है, क्योंकि मैं सजग रहूंगा कि मैं जो भी स्टेप उठा रहा हूँ उससे जो मेरे आसपास के लोग हैं वो शारीरिक, मानसिक, इमोशनली और अन्य किस तरह से उनपे मैं हिंसा कर पाऊंगा. तो इसलिए मेरा जो अहिंसा की तरफ कदम है वो अपरिग्रह के रास्ते से चलते हुए है, और इस तरह मैं अहिंसा को देखता हूँ. और जब इसकी बात करते हैं फिर जब डेमोक्रेसी की मैं बात करता हूँ, तो डेमोक्रेसी की तरफ भी उसको तरफ पहुंचने का रास्ता भी मेरा डिसेंट्रलाइजेशन है. जो हायरार्की है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसके ना होके अगर हम सेक्टर वाइज जाएं, अगर हम स्पेक्ट्रम ऑर्बिट में जाएं, शिफ्ट करें अपने आप को, तो वो मैंने कोशिश करी आसपास. जब भी मेरे आसपास मेरे सामने घर के पार्क है, आसपास जो बच्चे हैं खेलते हैं वो मुझे देखते हैं, तो मुझे जो हायरार्की है कि मुझे कोई बड़ा देखे, रिस्पेक्ट बोले, भैया बोले, वो मुझे मैंने खत्म करी. और सबको मैं बोलता हूँ कि आप मेरा नाम लेके बुला सकते हैं, तो सारे बच्चे मेरे दोस्त बन जाते हैं जो आसपास के हैं. तो वो जो लोकतंत्र की तरफ जो रास्ता है जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं कि जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, जो पावर एक जगह होल्ड कर ली जाती है, वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और तभी एक दूसरे को विजडम, जस्टिस और मॉडरेशन की तरफ अपने आप को ले जा सके, ये मेरा जो लोकतंत्र है इसको मैं ऐसे देखता हूँ अपने जीवन में. और अहिंसा, वो दोनों ही जो रास्ते एक जगह एक दूसरे से अलग नहीं है, तो अगर हम जो आसपास के लोगों को पावर अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो आप इंक्लूड हो सकते हैं, तो वो उनकी तरफ जाना और फिर उनकी उनको सोचना मुझे अपनी तरफ से कि हाँ उनकी तरफ मेरी कोई भी मेरी हरकतों से मेरे कारण से उन पर कोई हिंसा ना हो, तो वो ही है मेरे लिए अहिंसा और लोकतंत्र. बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया. छतुर्भुज जी. थैंक यू. अहिंसा और लोकतंत्र, जिसमें अगर मैं देखूं तो अहिंसा मैं अपने आप में जो मानता हूं और जैसा मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूं, उससे पहले जो आज से लगभग 1.5 साल से पहले जो परिस्थितियां थी दोनों बहुत भिन्न है. पहले परिस्थितियां ये थी, चूंकि घर में सबसे बड़ा रहा हूं तो कुछ हुक्म चलाने का, चाहे वो बच्चों पे, घर बीवी पे, या फिर स्कूल में स्कूल कॉलेज चलाते हैं तो वो स्कूल कॉलेज का जो डायरेक्टर का जो एक एटीट्यूड होता है. तो अहिंसा को मैं ये मानता हूं कि क्या मैं वो भयमुक्त वातावरण ऐसा बना पा रहा हूँ मेरे आसपास, जहाँ पे मैं किसी का मेरे पास निसंकोच लोग आ सके.
तो अभी हम दो तीन चार दिन से काफी सारी चीजें चर्चा चली है हमारे बीच में। हमारे एक जगह है जहाँ पे हम सारे दोस्त लोग इकट्ठा होते हैं, तो कल वहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, तो इसी चीज पे हमने काफी टाइम तक बहस हुई। तो अहिंसा और लोकतंत्र जो जब जोड़ के देखा तो हमें जब चर्चा हुई तो सबसे जो चीज निकल के आई तो कि क्या हमारे आसपास वो माहौल जो बना है जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जो मुझसे ज्यादा सीनियरिटी रखता है, जैसे नेवेश ने है एक हायरार्की की बात करी, और कोई व्यक्ति जो मेरा जूनियर है, उन दोनों के साथ मेरा व्यवहार कैसा है या मैं उन दोनों की बातों को किस प्रकार से सुनता हूँ, कैसे मानता हूँ, और उसी के अनुरूप अगर मैं देखूँ तो क्या मैं वो भयमुक्त वातावरण, अगर इसको मैं लोकतंत्र से देखूँ तो क्या मैं अपने आसपास वो भयमुक्त वातावरण बना पा रहा हूँ कि जहाँ पे एक बच्चा भी उतनी आसानी से मेरे से वो चीज मांग सकता है या वो अपनी बात बोल सकता है जो एक मेरे से सीनियर या मेरे से बड़ा व्यक्ति मेरे पास आके आसानी से मुझे बोल सकता है। तो कहीं ना मेरे मेरे लिए लोकतंत्र और अहिंसा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी बात इतनी इंस्पिरेशनल है, और फिर मेरे मन में एक बड़ी अजीब सी वो क्या कहते हैं दुविधा पैदा होती है आप जैसे सभी साथियों को मिलकर के ये जो शक्तियां हैं जो आप सब में चमक रही हैं, इन शक्तियों का जो हमारा व्यापक वातावरण है समाज का इस समय, उससे क्या तालमेल है, आप लोगों को क्या फील हो रहा है? क्योंकि देखिए एक अकेला इंसान तो खैर बहुत ही अपने आप को शायद असहाय महसूस कर सकता है, लेकिन हम लोग तो समूहों में एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से शक्ति और यू नो सहन वो सॉलिडैरिटी हम एक दूसरे से हमें मिलती है। फिर भी जो अभी का जो वातावरण है उसको हम लोगों की एनर्जी, क्या वो छोटे बड़े का मसला है के और इज इट के साइज या वजन का मसला है ही नहीं, क्योंकि ये भी दृष्टिकोण की बात है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि मतलब सी हम आजकल बहुत सारे अपने साथी कई बार कहते हैं अरे आई फील वेरी हेल्पलेस, मैं अपने आप को बहुत छोटा और बिल्कुल कुछ भी असर ना करने वाली शक्ति ऐसे महसूस होता है कुछ साथियों को। ऑफ कोर्स वो ही लोग फिर भी लगे जरूर हुए हैं, जितना जो जहां वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो आप सबका इसमें क्या फीलिंग चल रहा है अभी, खासकर क्योंकि आप लोग अपनी इस यात्रा के अभी मतलब शुरू शुरू के पड़ाव में हैं, तो कहाँ उत्साह है, कहाँ डर है, कहाँ टेंशन है, कहाँ खुशी है, इस पूरे मिक्स का थोड़ा थोड़ा शेयर करिए जिसका भी पहले मन करे। कौन शुरू करेगा? चतुर्भुज जी आप चलिए। जी जी प्लीज। जी जी आपने काफी एक अभी मैं काफी सोच विचार करता हूँ जब हम जैसे मैं आपके अभी आपको पिछली बार बता रहा था कि जब हम सभी दोस्त मिलते हैं तो अक्सर ये बात निकल के आती है कि ये तो चलेगा यार, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका अब शायद बदलाव या तो सभी लोग खत्म हो जाएंगे तो एक नया सिरे से शुरू होगा तो उन्हें हम सिखा सकते हैं, पर बाकी कि अब ये तो घर कर गया है हमारे बीच में, चाहे वो नफरत या जिस चीज की हम अहिंसा की बात करते हैं तो उसमें। और दूसरी चीज एक चीज और देखी मैंने जो मैंने अनुभव किया है कि अहिंसा का जो वास्तविक मतलब है लोगों ने केवल उसको एक शारीरिक प्रताड़ना के रूप में मानकर देख लिया, उसको अन्य जगह से या अन्य चीजों से लोकतंत्र से या हमारे हमारी जो एक्टिविटी से उसको बिल्कुल निकाल के दूर कर दिया कि मैं किसी के साथ मारपीट नहीं कर रहा हूं तो मैं किसी के साथ हिंसा नहीं कर रहा हूं,
चाहे मेरे अंदर में कितना ही कुछ भी अंदर नफरत भल घोल के बैठा हूँ या कुछ भी खोल के बैठा हूँ, या मैं मेरे खुद के ही प्रति मैं कितना ही एक नेगेटिव थिंकिंग रखता हूँ, पर फिर भी लोग उसको नहीं मानते। कल परसों कल की बात है, कल हम दो तीन बुजुर्ग लोग बैठे थे तो ऐसे ही वो बातें चल रही थी, तो एक उन्होंने रामायण की एक चौपाई बोली कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कि जो समर्थ है उसको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। तो उसके खैर वो काफी एक लंबी चौड़ी बात हमारे बीच में हुई है, वो आज समय नहीं है तो मैं अभी शायद यहाँ पे नहीं बता पाऊँ। तो कुल मिला के लोकतंत्र को जैसे लोगों ने अभी हम लोगों ने ये मान लिया कि मेरे को केवल वोट देना है, बटन दबाना है, मैंने व्यक्ति को चुन दिया, अब जो आगे का जो काम है वह उस व्यक्ति का काम है, अब मेरा काम है केवल बैठना और उस व्यक्ति को देखना। तो कहीं ना कहीं आज की जो परिस्थितियां बन रही है, दूसरी चीज अगर जो एक मिक्सअप माहौल जो नजर आ रहा है, तो जिसे मैं देख पा रहा हूं कि जब इस प्रकार का माहौल जनरेट हो रहा है तो कुछ आज भी वो चीजें हैं कि अगर हम कोशिश करें तो वो बदल सकता है। जैसे अभी मैं एक वाक्य बताता हूँ आपको कि हमारे उदयपुर में जो अभी तत्काल में एक घटना हुई, तो उस घटना की वजह से काफी सारा माहौल खराब हुआ, विशेष स्पेशली पूरे इंडिया में। तो एक हमारे गांव में भी जो इस प्रकार के जो कुछ साथी लोग हैं जो थोड़ा भटके हुए हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार से कुछ एक धर्म विशेष के प्रति टिप्पणी करना शुरू किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिया एक गलत किया, तो मैंने ये बोला कि मैंने कहा चलो ठीक है, जो जिसका हत्या हुई है क्या आप उसे बोल सकते हो कि वो कट्टरपंथी था, कैसे आप बोल सकते हो उसको। तो जब उन्होंने पूरा वीडियो देखा, सब कुछ देखा, तो उसमें एक बात निकल कर आई कि उसके वीडियो के पीछे जो एक फोटो लगा हुआ था वो कहीं किसी एक सेलिब्रिटी का फोटो था। तो मैंने कहा अगर ये कट्टरपंथी होता तो ये शायद वो फोटो नहीं लगाता। तो इस बात से जब उन्हें इस चीज का एहसास हुआ तो वो खुद भी इस चीज से अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हुई कि यार वास्तव में सही हम जो कर रहे हैं अभी, वो कहीं ना कहीं एक बहाव में एक नदी के बहाव की तरफ दौड़ते जा रहे हैं, उसके विपरीत खड़ा होकर उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो। तो है, उम्मीद है, मुझे लगता है, आज मैं भी कई लोगों से मिलता हूँ, कई साथियों से मिलता हूँ, जब चर्चा करता हूँ तब निकल के बात अलग आती है, जब हम थोड़ी चर्चा में गहराई से उतरते हैं, गहनता से उतरते हैं, तब निकल के बात थोड़ी अलग आती है। तो शायद वो जो कन्वर्सेशन की बात है वो जरूरी है, वो जब चलती रहेगी तो समाधान निकलता जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी का धागा बांध के हम भी अहिंसा कॉन्वर्सेशन के साथी भी इसी तरह लगे हुए हैं। अच्छा साथियों, इट सीम्स कि हमारा जो लाइव लिंक है उसमें थोड़ा कुछ समस्या आ रही है, तो आई थिंक हम जारी रखते हैं अपनी बातचीत, और आपके जो भी दोस्त अगर आपको मैसेज भेज रहे हैं कि वो लाइव लिंक टूट गया है, तो उनको आप प्लीज यही जवाब दीजिए कि टेक्निकल डिफिकल्टी है और हमारी टीम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, वो कह रहे हैं कि एक्चुअली यूट्यूब के साइट पे कुछ प्रॉब्लम आ रही लगती है। तो आप अपने दोस्तों को कहिए कि स्टे ट्यून्ड, आई होप कि लाइव वापस शुरू हो जाएगा। वैसे भी हम इस पूरे सत्र को रिकॉर्ड कर रहे हैं और तो वो आई थिंक बाद में तो सबको मिलेगा ही, लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि हमने सबको लाइव बोला है तो वो लाइव में दिक्कत आ रही है, लेकिन उनसे कहिए कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो जाए। ये जो इतनी आप सबने उम्मीद की बातें कही हैं,
आपको यही इस किस्म का उम्मीद का माहौल अपने इर्द गिर्द समाज में भी मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि जैसे पहले शुरुआत में एक साथी ने कहा ना कि भाई ये दौर तो ऐसा अभी निकल के ही खत्म होगा, ये फीलिंग बहुत सुनने में आती है। तो जब लोग बहुत निराश दिखते हैं तो आप कैसे उस निराशा से कैसे आप जूझते हैं? एक तो ये मैं मतलब ये बैकग्राउंड में रखते हुए आप सबसे आग्रह करती हूँ कि ये अगले से मान लीजिए एक साल या पांच साल में आप सबकी क्या क्या प्लान है, आप किस किस किस्म के इस मतलब इस संदर्भ में आप कैसे काम कैसे कार्य क्या प्रोग्राम या को क्या प्रयास में आप लग रहे हैं अब, क्योंकि आपकी अभी अभी फेलोशिप पूरी हुई है और अब आप वापस अपने समाज के कार्यों में और जिंदगी में लौटे हैं, तो प्लान क्या है? मैं बोलूं? जी जी प्लीज विक्रम जी बोलिए ना। तो थोड़ा वो पीछे ओपलेस की बात को जोड़ते हुए इस पर मैं आऊंगा। तो यही बात है कि माहौल बिगड़ा हुआ है, बहुत खराब भी है मान लिया जाए, और है तो भी अभी उसको भी मानना पड़ेगा कि ये माहौल है। और कुछ क्वेश्चन भी है इस चीजों पे कि जो हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम अहिंसा की बात करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्यों लोगों में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम कहाँ पे? तो मेरा एक नजरिया बना है कि कहीं ना कहीं इन मूल्यों को हमने पुस्तकों में और कहीं ना कहीं इसको स्कूलों में और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में बंद करके रखा है, और अभी समय आ गया है उनको वहां से निकाल के हमारे घरों में हमारे दिलों तक ले जाने का। क्या बात। और ये चीज इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कहीं भंग होता है तो एक बड़ा आंदोलन हम छेड़ देते हैं, और हजारों लोग आंदोलन करते हैं, आज भी करते हैं, कितना भी होपलेसनेस हो, पर अगर हमारे परिवार में हमारे छोटे भाई की फ्रीडम अगर कहीं दबाई जाती है, हमारी सिस्टर की फ्रीडम जब दबाई जाती है, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि यस उसकी सिक्योरिटी है, उसका करियर है, उसका फ्यूचर है, और कहीं ना कहीं वहां पे हम उसको नहीं उतना वो गौर देते। तो ये चीजें मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं खुद से शुरू करनी पड़ेगी, परिवार से शुरू करनी पड़ेगी, और अगर ऐसी चीजें शुरू हुई, अगर परिवार में हमने डेमोक्रेटिक माहौल, खुद से हमने डेमोक्रेटिक माहौल शुरू किया, तो जो आज हम जो ये असहाय महसूस कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारा बेटा या हमारी बेटी अगर हमारे परिवार में वो सहन नहीं कर सकता, तो कोई इंस्टीट्यूशन या कोई उसका लीडर अगर उस पर ये माहौल उसको मंडराने की कोशिश करेगा, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मेरा ये 15 महीने की जर्नी में मेरी एक सोच बनी। दूसरी चीज आपने कही कि जो आज माहौल है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी अभी के माहौल में मैं मेरा खुद का ये मानना है और मैंने ये काम शुरू भी किया है कि लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज पे काफी लोगों को हताशा है, काफी लोगों को नहीं पसंद है ये चीजें, पर वो चीजों के बारे में बात करने के लिए वो स्पेस नहीं है, वो जगह नहीं है जहाँ पे डायलॉग कर सके। जो आपने अहिंसा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया तो यहाँ पे इतने लोग आके बात कर रहे हैं, और इतने लोगों में कहीं ना कहीं ये चीज को लेकर एक होप है, कहीं ना कहीं कुछ काम करना है, तो यही स्पेस हर एक जगह पे, हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में बनाने की जरूरत है, और वही काम मैं यहाँ पालमपुर में करने की कोशिश पे हूँ कि कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं और वहां पे सारे यूथ आए, और आपके कितना भी अपना कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यूज है वो रखे, पर जो ये कहीं ना कहीं पार्टी के, कहीं ना कहीं इज्म के, कहीं ना कहीं लैंग्वेज के, कहीं ना कहीं रिलीजन पे, कहीं ना कहीं और सारी चीजों के नाम पे सिर्फ हम एक दूसरे से असहमत है, इसके लिए वायलेंट हो जाते हैं, वो चीज को कैसे हम दुरुस्त करें और कैसे एक जगह ऐसी बनाए जहाँ पे आके बात करें और माने कि नहीं तुम्हारी बात तुम मानते हो अग्री, पर ये एक माहौल अगर बना। तो जो मैंने पंचगनी में हम जब थे पहले दिन तो एक सुना था कि आज कहीं ना कहीं व्हाट इज राइट, ओके, ये कहीं ना कहीं मतलब कौन सही है, हु इज राइट, ये बहुत फाइट हो रही, पर व्हाट इज राइट, क्या सही है,
उसकी कोई बात नहीं कर रहा। और अगर कहीं ना कहीं ये एक मैंने खुद से ये माना है कि कहीं ना कहीं ये मुहिम चलाना है कि एक ऐसी स्पेस बनाए, अगर ऐसे कुछ युवा खड़े होंगे तो मैं इतना आशा कर सकता हूँ कि माहौल कैसा भी हो बहुत अच्छा हो सकता है जी। मतलब बदल सकता है, बदल सकता है। ये जो आपने कहा ना कि डिविजन है कि भाई व्हाट इज द राइट आंसर, ये जो बात आपने कही, देखिए वो दो तरह का, दो लेवल पे होता है ना। एक तो ये है कि मान लीजिए हम एक, जैसे हम दोस्त लोग निकले हैं कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं और दो लोगों को लगता है कि नहीं ये लेफ्ट पे होगा जो जगह हम ढूंढ रहे हैं, दूसरा को कहे नहीं राइट पे होगा, तो ये तो एक हो सकता है कि भाई अपनी अपनी वो अनुमान आपका अलग हो सकता है कि सिनेमा इस तरफ है या उस तरफ है। तो ये जो है ये तो एक असेसमेंट या वो क्या कहें जजमेंट है दिशा के बारे में, वो तो अलग हो सकती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बुनियादी मूल्य है, माने इन दिस केस इट विल बी कि अरे वो रास्ते में बच्चा है गाड़ी उसके ऊपर से मत चलाओ, इस तो वेदर द राइट डायरेक्शन इज ऑन लेफ्ट और राइट दैट इज नॉट सच अ बिग थिंग, उसपे तो बात होनी चाहिए। अपन चार कदम कल के चल के देख भी सकते हैं कि अच्छा भाई यही है सिनेमा के दूसरी तरफ है, उसका इतना फर्क बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इतने बुनियादी मूल्य पे समाज विभाजित हो जाए और एक एक हिस्सा कहने लगे कि हाँ हाँ क्या है अगर वो बच्चा है रास्ते में चलो चलो उसके ऊपर से चलो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस माहौल में आशा जी आपके मन में क्या चल रहा है? What can we do? मुझे वही एक मतलब हम लोग स्पेशली अभी चल रही है मेजॉरिटी थिंकिंग, वो तो मेजॉरिटी किस चीज में, पावर में मेजॉरिटी है क्या, पॉपुलेशन में है क्या, रिलीजन में है क्या, फिर ऑटोमेटिकली एक तबके का लोगों को हम लोग ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो वो सोच को हम लोग किसे बदल सकते हैं। मेरा यही है, मतलब मैं 1.5 मंथ में मैं गाँव में ही हूँ, तो माहौल बाहर से बिगड़ा है, अंदर से ऊर्जा है, तो एक स्पेस चाहिए लोगों को, मतलब उनका रियल आवाज को सुनने के लिए, वो मतलब वो सुनने में उनका हीलिंग होता है ना, वो हीलिंग का स्पेस चाहिए अभी लोगों का बीच में, तो उसका जरूरत है। मुझे बिल्कुल मतलब डर भी नहीं है और मुझे मतलब ये माहौल चेंज नहीं होता है वो भी मेरे दिमाग में नहीं है, तो मैं पहले डरती थी दिसो माने के पहले, मेजॉरिटी के बारे में बहुत फोबिया था मेरा अंदर, तो अभी नहीं है। मतलब सच्चाई के लिए एक छोटी सी आवाज है ना, वो बदल सकता है, मतलब बहुत मतलब ब्रॉड लेवल में चेंजेस ला सकती है। तो अभी हमारा ऐसे यूथ थोड़ा सोचने वाला यूथ खड़ा होने के लिए जरूरत है, हम लोग खड़े होते हैं ना ठीक से तो हमारा पीछे आने के लिए लोग भी रेडी है, तो ये जेन्युइनिटी ढूंढ रहे हैं लोग अभी, मतलब एक जेन्युइन आवाज चाहिए, जेन्युइनली सुनने वाला चाहिए, तो वो मिले तो लोग वो ऊर्जा अभी भी अंदर है भर चुकी है, वो निकलने के लिए अभी एक स्पेस चाहिए, तो बिल्कुल डर नहीं है। और मुझे, मैं ऐसा काम कर रही हूँ स्पेशली यूथ में, तो हमारा इसलिए मैं मेरा ट्राइबल वर्ल्ड व्यू में बताना चाहती हूँ, अभी हमारा लोग स्पेशली कंफ्यूज में है क्या सही है क्या गलत है, ये स्पेस है ना बहुत डेंजरस है, तो मतलब सच्चाई में कुछ भी कर सकता है, बुराई लेकर कुछ भी कर सकते है, ऐसा कंफ्यूजन एरा में है हमारा, स्पेशली मैं ट्राइबल के बारे में बात कर रही हूँ, तो अभी ऐसे ट्राइबल यूथ मुझे लगता है एक, मुझे मैं बहुत सारा प्लेस में मतलब अलग अलग राज्य में मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ और मुझे एक सेंटरनेस मिला है, तो मैं सोच रही थी कि नंदिनी नंदिनी आप लोगों को म्यूट पे डालना पड़ेगा जी, सॉरी इंतकाम आप म्यूट पे नहीं है जी, थैंक यू। ऐसा ना हो कि ये भेज दिया, इंतकाम आपको म्यूट पे करना पड़ेगा जी, सॉरी थैंक यू, गो अहेड आशा, सॉरी अबाउट दैट।
अभी मतलब मुझे लगता है एक रिकनेक्शन को हम लोग मतलब रीचेक करने जरूरत है। हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं है, किसी ना किसी चीजों में हम लोग जुड़े जुड़े हुए हैं। हम लोग नेचर से जुड़े हुए हैं, हम लोग रिलीजन से जुड़े हुए हैं, हम लोग थिंकिंग से जुड़े हुए हैं। वो रिकनेक्शन को बिल्ड करने का जरूरत है। तो मैं अभी सोच रही हूँ, मेरा एक्चुअली 5 ईयर्स का प्लानिंग है, मैं वो रिकनेक्शन को कैसे बिल्ड कर पाती हूँ। स्पेशली अभी क्या लोग, क्या एज का लोग कंफ्यूजन में है, उनका साथ में एक लिसनिंग स्पेस कैसे बना सकती हूँ, उनका अंदर क्या चल रहा है वो उनको एटलीस्ट शेयर करने के लिए, तो एटलीस्ट एक दूसरे से डायलॉग करने के लिए, तो वो स्पेस में क्रिएट कर रही हूँ। तो मुझे यही लगता है, हम लोग ये मौका देने से अभी क्या चीज बिगड़ा हुआ है, वो चीज को हम लोग मतलब हमारा हैंड पे रख सकते हैं। तो बिगड़ने के लिए, ज्यादा बिगड़ने के लिए हम लोग चांस नहीं दे सकते हैं। तो वो मुझे वो होप भी है, मतलब अंदर से एक स्ट्रेंथ भी है, हम लोग एक आवाज एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो उसमें संख्या का मेजॉरिटी नहीं होना है, सत्य क्या होते हैं, सत्य के लिए खड़ा होना ये जरूरी है। ये होने से कितना भी बिगड़ का परिस्थिति हो, हम लोग जीत सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत खूब, आपके उत्साह की मैं सराहना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नैवेश, आप अपनी बात रखेंगे प्लीज। बिल्कुल, एक कल मेरे को किसी ने तीन बहुत छोटी सी कविता भेजी थी, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। पहले वो था कि मेरे बेटे कभी इतने ऊंचे मत होना कि कंधे पर सिर रखकर कोई रोना चाहे तो उसे लगानी पड़े सीढ़ियां। इतने धार्मिक मत होना कि ईश्वर को बचाने के लिए इंसान पर उठ जाए हाथ तुम्हारा। कभी इतने देशभक्त ना हो जाना कि घायल को उठाने को झंडा जमीन पर न रख सको। एक कविता कादंबरी है, उनकी ये लाइंस थी। और कल अभी जो माहौल चल रहा है जिसकी बात हम कर रहे हैं, और तो इसमें ये इतना पावरफुल मुझे लगा कल इसको पढ़ने के बाद से कि सॉरी वन सेकंड, सुनिए पैगाम फ्रेंड्स, प्लीज आप म्यूट पे जाइए ना। हाँ थैंक यू, सॉरी सॉरी निवेश, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो कल जब ये मैंने पढ़ा इतना पावरफुल मुझे लगा कि इसमें जो बातें हो रही हैं इसमें सारी चीजें आ गई, हम जो कहना चाह रहे थे और जो करना चाह रहे हैं। तो जब मैं अपनी यात्रा में था पूरे 15 महीने की दिशा में, तो मैं ये सोच रहा था कि दिल्ली छोड़ के मैंने गोरखपुर को चुना कि मुझे वापस घर जाके यहाँ से काम स्टार्ट करना है। बट मैं बहुत ही कंफ्यूज था कि मैं क्या करूंगा, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो फिर जैसे कि अलग अलग शहरों में अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि कहीं पे कोई मॉन्यूमेंट्स को बचा सकता है, नदियों को बचाने पे काम चल रहा है, जंगल को बचाने पे काम चल रहा है, मैं क्या करूं, तो कुछ अलग भी करना है। फिर हमने सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था अहिंसा की, प्रकृति के प्रति जो हमारी है, तो जो डेवलपमेंट है उसकी परिभाषाएं सबके लिए अलग अलग हैं। बरसात नहीं हो रही है, हीट वेव्स चल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, इसके तरफ लोगों का कम नजरिया है, लेकिन ध्यान है, लेकिन चीजें वो अफेक्ट कर रही हैं हमें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर हम प्लास्टिक पे ही काम करते हैं, प्लास्टिक कैसे हम कम करें लोगों को जागरूक करने के लिए। तो जब पहली बार हम कुछ लोगों ने मिलके एक ऐसी जगह चुनी, एक झील है हमारे पास, वहां पे प्लास्टिक उठाने का, पूरे गोरखपुर में पहली बार किसी ने ऐसा किया कि हम प्लास्टिक उठा रहे हैं। लोग पानी पी बोतल फेंक रहे हैं, आइसक्रीम के हैं, गुटखे के, सब कुछ हम सब उठा रहे हैं। तो ये जो था, ये जो एक लाइन है कि अगर आप जो बदलाव देखना चाह रहे हैं चारों तरफ, उसके लिए आपको खुद एक कदम उठाना पड़ेगा, और वो बदलाव का चेन रिएक्शन जो होगा वो अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। तो वो हुआ, तो इससे मुझे बहुत यकीन है कि जो मेरा आने वाला काम है उसको लोग हैं, अगर 5 लोग उस दिन आए साथ में खड़े होने के लिए, और उसके उसको देख के 10 लोग और जुड़ रहे हैं, जुड़ जुड़ के टीम अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब लोग इस इंतजार में भी है कि उनको वो चाह रहे हैं कि उनके जैसा कोई रिप्रेजेंटेशन वो भी खोज रहे हैं कि हाँ कोई ऐसा काम करना चाह रहा है अलग, जो अच्छा कर रहा है, अच्छे की जो परिभाषा है।
तो ये भी एक हमें मुझे उस दिन समझ में आया करने के बाद कि लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो और लोगों को साथ में लेके चलने का काम भी है। तो मेरा जो 5 साल का काम यही है कि मैं कैसे लोगों को तक पहुंचे, उन्हें ले आए, उनको लगे वो सुने जा रहे हैं, ऐसा ना लगे कि उनको सुना नहीं जा रहा है, उनकी रिस्पेक्ट हो रही है और बहुत ही वो मोटिवेटेड भी फील करें साथ में आ करके। तो इस माहौल को मुझे अभी स्टार्ट करते करते फिर से ग्रीनरी की तरफ अपने जिले को एटलीस्ट ले जाना है। थैंक यू। देखिए ग्रीनरी पे तो बहुत लोग जुड़ जाएंगे। पिछले कई वर्षों से एक समस्या हमारे जो मतलब सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों के बाहर और चुनावों के बाहर जो राजनीति बनी, जिसको मैंने काफी करीबी से देखा ये पिछले 40 साल, उसमें एक समस्या ये आई कि चीजें बहुत अपने कंपार्टमेंट्स में डल गई। जो पानी के ऊपर काम कर रहा है तो वो खाली पानी पे ही कर रहा है या उससे जुड़कर कम से कम पेड़ लगाने पे कर रहा है, लेकिन उसको फिर वो सांप्रदायिकता बढ़ रही है ये उसमें नहीं जुड़ता, या जो कार्यकर्ता सांप्रदायिकता पे लगा हुआ है तो वो अप्रिशिएट जरूर करता है पेड़ बचाने वाले को, लेकिन वो अलग अलग काम रहे तो एक तो मुझे भविष्य में एक कंपोजिट और इंटीग्रेटेड अप्रोच जो मतलब एक संतुलन और होलसमनेस को क्या कहेंगे बिरेन हिंदी में, यू नो होलिस्टिक अप्रोच की है। लेकिन आपने जो बात कही ना निवेश, उससे मेरे एक दोस्त मुझे याद आ गए, स्वर्गीय विनु काले, मेरी जो किताब है बापू कुटी उसमें उनको मैंने को डेडिकेट की थी। तो विनु काले वैसे इंजीनियर थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन करीब करीब बैम्बू से क्या रोजगार बनते हैं, बैम्बू की क्या खासियत है और कैसे बैम्बू के बल पर आदिवासी समाज खासकर अपने लिए बहुत कुछ उन्नति कर सकता है, इस पे काम किया। तो विनु का एक बड़ा सुंदर वाक्य था, वो कहता था कि देखो हम लोग वैसे हैं, 4-5 लोग जैसे अगर किसी पूरी खड़ी हुई ट्रेन हो, मतलब मान लीजिए कि 18 बोगी की गाड़ी खड़ी है और हम उसको रस्सियां लगाकर खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हिलेगी तो नहीं, पर हो सकता है कि फिर हम 10-15 लोग और भी ज्वाइन हो जाएंगे, फिर भी वो गाड़ी तो नहीं हिलेगी। लेकिन हम इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमें ये खींचते पूरे 18 बोगियों को रस्सी से खींचते हुए देखकर शायद वो इंसान आ जाए जिसको पता होगा कि अरे भाई इसको अगर हिलाना है तो लोकोमोटिव लाना पड़ेगा। तो ये जो एक विश्वास और उम्मीद का जो की जो भूमिका है ना इस कार्य में, उसकी बहुत अहमियत है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने जो डाउट्स है ना खुद के बारे में, अपने परिस्थिति मतलब हमारी जो छोटे दायरे की परिस्थिति है उसके बारे में, उनको भी हमें आपस में खुल के शेयर करना चाहिए। ये हमें कई बार ऐसा मैंने देखा है कि एक शंका सी रहती है कि अगर हमने बहुत ज्यादा डाउट्स की बात की या अपने जो हमारी दुविधाएं हैं, जो हमारी विडंबनाएं हैं या जो हमें डर लगते हैं जिन चीजों से या जिन परिस्थितियों से या जिन चुनौतियों से हम डरते हैं, उनकी हमने ज्यादा बात की तो हम और कमजोर हो जाएंगे। क्या आप लोगों को ऐसे लगता है? और आप मतलब अगर ये आपको लगता है कि बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो जरूरी नहीं है कि आज आप शेयर करें, बट जितना आपको कंफर्टेबल लगे, वो आपकी शंकाएं क्या हैं, डर क्या है, दैट इफ एट ऑल आपको जितना कंफर्ट लगता है ऐसे पब्लिक फोरम में शेयर करने का। मैं मानती हूं कि हम संभव है कि हमें वो अपने प्राइवेट ग्रुप्स में ही करना हो, लेकिन उससे मैं मानती हूँ हम लोग ज्यादा मजबूत बनते हैं। बट आप जितना शेयर करना चाहें प्लीज बताइए। नेविश, मैं ही, हाँ, मैं जी, गो अहेड, प्लीज प्लीज। तो
एक निकेतो अंकल है, वो बात कहते हैं, व्हाट इज इन योर वे इज योर वे। तो एक मिनट नेविश, इसको हिंदी में भी कहिए, एक मिनट इस बात को हिंदी में भी कहिए प्लीज। हाँ, व्हाट इज इन योर वे इज योर वे, जो आपके रास्ते में। बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रही थी कि आप निकेतु अंकल को भी एक थोड़ा सा एक सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि आप मान के चलिए कि बहुत लोग जो देखेंगे उनको नहीं जानते, उनका एक सेंटेंस, डेढ़ दो सेंटेंस का इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर इस बात को फिर से कहिए। थैंक यू। तो निकेतु अंकल को नॉर्थ ईस्ट का गांधी बोलते हैं वो, और उनका जो जीवन है वो बहुत ही उनसे सीखने के लिए, हर एक उनका स्टेप जो, हर एक उनका जीवन है वो सीखने के प्रेरणादायी है वो, और उनको जीवित गांधी बोलते हैं। तो हम जब उनके साथ में था तो उनकी जो ये रास्ते में है वही आपका रास्ता है। तो इसीलिए जब मैंने चुना गोरखपुर को, कि मैं दिल्ली में बहुत ही सेफ स्पेस था मेरे लिए वहां पे काम करना, चाहे वो जेंडर को लेके मेरा काम हो, चाहे मेरी खुद की आइडेंटिटी हो, चाहे मेरा जो माइंडसेट है लोगों को लेकर के, चाहे मैं बहुत ही अपने आप को लिबरल समझ रहा हूँ, जो भी चीजें मेरी आइडेंटिटीज हैं, बट वापस गोरखपुर में आना और यहाँ पे काम करना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो, चाहे मेरे सोसाइटी में जो लोग रहते हों। कास्ट और रिलीजन का जो यहाँ पे रोल है वो, मतलब कि आज भी जो मेरे व्हाट्सएप पे लोग, अगर मैंने कुछ लिखा और चाहे जब लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ, तो लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत ही दुख देने वाले होते हैं और भयावह भी होते हैं। तो और मैं ऐसे कैसे कई ग्रुप्स में भी जुड़ चुका हूँ जो कि एक ऐसी विचारधारा के हैं जो कि बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं। तो वो मुझे, वो किसी, मैं अपने आप को इस सेंटर में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम मुझे ऐसी काम को करना कि वो एक्सट्रीम में ना जाए, होलिस्टिक वो हो। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको भी साथ में लेकर चलना, उनको इस बात की उम्मीद रखना कि उनके अंदर भी बदलाव हो सकता है। समय, कुछ समय लगेगा बट उनके अंदर बदलाव होगा। तो ये जो डर की बात हो रही थी, तो ये मेरा सबसे बड़ा डर है। और संवाद करते समय मेरे, आज भी अभी कुछ समय पहले ही एक व्यक्ति से संवाद हो रहा था मेरा, और मेरे हाथ कांप रहे थे उनको लिखते समय, क्योंकि इतनी नफरत भर गई है लोगों के अंदर कि वो ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि क्या चीजें चल रही हैं, वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं, वो जान रहे हैं वो सही है। तो ये मेरा अभी तुरंत का ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है, कैसे मैं उनको भी साथ लेके चलूं और मुझे डरने की जरूरत नहीं अगर मैं सही बोल रहा हूं, और उनको, वो भी समझ जाएंगे आज नहीं तो कल। तो जी जी, आपकी बात में मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले ये अपने सब साथियों को, दर्शकों को जो देख रहे हैं, बताना चाहती हूँ कि जिन अंकल का इन्होंने जिक्र किया, निकेतु जी इरालू, नागालैंड के बहुत बड़े नॉन वायलेंस के कार्यकर्ता और लोकप्रिय नेता रहे हैं, उनका अहिंसा कॉन्वर्सेशन जरूर देखिए, वो अहिंसा कॉन्वर्सेशन नंबर 94 है। तो मैंने कहा एक छोटा सा मैं कमर्शियल प्लग भी दे दूं कि वो जरूर देखिए। निवेश, जो तुमने बात कही ना वो बिल्कुल सेंट्रल है, और उससे मुझे हमारी मित्र है मोनिका शर्मा, उनकी भी अहिंसा कॉन्वर्सेशन आ चुकी है, जो एक बड़ा सुंदर, मतलब क्या कहें, तरीका बताती हैं इस परिस्थिति से जूझने का, ये जो आपने अभी अपनी लाइफ का और अपने ये किस प्रकार के मैसेज आते हैं वो जो आपने कहा, मैं पहले अंग्रेजी में बताती हूँ क्योंकि वो ये बात अंग्रेजी में कहती हैं, लिसन for the concern behind the complaint, के जो कोई भी आप पे क्रोध या गुस्सा, ये घृणा उगल रहा है या हिंसक भाव से भी सामने आ रहा है, मतलब वो basically शिकायत के फ्रेम में है ना, तो वो कह रही है कि उसकी शिकायत या उसकी जो भी नाराजगी या क्रोध का कारण है, उसके पीछे जाकर देखो कि उसको चुभ क्या रहा है,
उसको वास्तव में परेशानी किस चीज की है, और जो भी उसकी अगर कोई चोट है तो वो क्या है। क्योंकि शायद और उन्होंने बाय द वे ये वो किसी काली किताब के बल पे या हवा में नहीं कह रही हैं, उन्होंने दुनिया के कई किस्म की कॉन्फ्लिक्ट मतलब तनाव और टकराव की परिस्थितियों में काम करके ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला है। और ये वो भी कहती हैं, और ये अनेकों वैज्ञानिकों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो भी ये इस तरह से हिंसा और क्रोध के वश में हो जाता है उसके अपने जीवन में कहीं पीछे कोई हर्ट होती है, कोई चोट होती है, और वो एक्चुअली वो गुस्सा या दुख एक्चुअली समटाइम्स उसके पीछे एक एक्चुअली दुख होता है कोई, और वो होता किसी और कारण है और वो निकलता किसी और पे है और कहीं और है। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि मुझे इस बात को सुनने से बड़ा सुकून मिला, और मैंने इस पे आजमा के देखा है, हर बार नहीं हो पाता, मैं ये देखती हूँ कई ऐसी मैंने वो भी सिचुएशंस देखी हैं जिनमें उस वक्त उस घड़ी में उस दो मिनट में नहीं तैयारी होती, माहौल नहीं होता कि आप हाथ पकड़ के भी अगर किसी से कहें कि सच में बताओ ना परेशानी तुम्हें क्या है, तो वो नहीं बात बन पाती। लेकिन आई थिंक अगर हमारा निश्चय दृढ़ हो तो फिर वो समय निकल आता है जब हम ये बात भी कर सके। दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर। विक्रम, आप या चतुर्भुज जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे जो कुछ निवेश ने कहा? हाँ, तो जी विक्रम जी ने कहा वो बात है, पर मुझे एक मतलब बहुत मैं दुविधा में आ जाता हूँ जब एक स्ट्रक्चरल वायलेंस जब होता है और उसको मतलब रिस्पॉन्ड करना होता है कि मान लो जहाँ पे निकेत अंकल इतना बड़ा काम कर रहे हैं तब वो चीजें ऐसी लगती है कि कुछ मतलब वो एक रियल चीज है, पर जब वहीं पे किसी को एक कानून के अंदर किसी को गोली मार दी जाती है और फिर उनके पास जाके अहिंसा की बात करना, उनको फॉरगिवनेस के लिए रेडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब किसी परिवार को कहीं ना कहीं एक जगह से एक बार डिस्प्लेस किया जाता है, दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट उसको झेलना पड़ता है, और तीसरी बार अगर वो सामने खड़ा होता है फिर उसको कहीं ना कहीं गोली मार दी जाती है, और वो हिंसा भी नहीं कही जाती है, वो कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा, और वो सामाजिक एक सिर्फ नेशन को ना देखे स्टेट में भी ऐसा होता है या समाज में भी ऐसा होता है, ऑनर किलिंग हो ये हो, तो ये जब चीजें होती है तो इनका जब आंसर देना होता है कि या इसको कैसे टैकल करेंगे, ये क्वेश्चन जब आता है तो कैसा नेतृत्व एक वहां पे ले जाए ये, और वो कहीं ना कहीं मतलब कि ये चीजों को कहीं ना कहीं सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं दुविधा कभी कभार पैदा करता है कि ये स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है ये कभी बहुत परेशान करता है, तो ये एक मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हमारे इस पिछले 40-50 साल में एक्चुअली बहुत किस्म के कार्य तो हुए हैं। अब आपने आशा जी जब आपने बांध से विस्थापित होने की 4 जनरेशंस की बात की तो मुझे अपनी उम्र का एहसास हुआ, क्योंकि मैंने जब इन विषयों पर सोचना या इन पे जानकारी लेना और इनमें किसी तरह से भी कार्यरत होना शुरू किया था, 80s की बात है, आज से करीब 40 से ज्यादा साल हो गए, तो कितने संघर्ष हुए, उससे पहले भी हो रहे थे लेकिन, और ऐसा नहीं है कि उन संघर्षों में से कई कामयाब भी हुए, ऐसा नहीं है कि सभी असफल हुए, लेकिन
हम उस स्ट्रक्चरल वायलेंस को पूरी तरह से तो नहीं मतलब रोक पाए। और इसका एक कारण, ये एक कारण है कि मुझे कई लोग जो मतलब जो इस हमारे अहिंसा के पूरे वार्तालाप के बारे में जो क्या कहें, नाराज तो नहीं है पर उनको लगता है कि आप सब ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो उनको ये इसीलिए लगता है क्योंकि वो कहते हैं कि तुम लोग तो अहिंसा की बात करते रहोगे और देखो तब तक और कितना ये वायलेंस हो जाएगा। लेकिन इसमें आप लोग अगर मेधा स्पीक टू द कोहॉर्ट बिरेन, हाँ तो आप लोग मेधा जी से मिल चुके हैं तो फिर मुझे और कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। तो वो देखिए ना कैसे वो लगी हुई हैं इतने बरसों से और आज भी, और लाखों लोगों के जीवन में उसका फर्क बिल्कुल पड़ा है 100%। लेकिन जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है उसमें जितना हम परिवर्तन चाहते हैं वो उतने हद तक नहीं हो पाया, ये समस्या है। चतुर्भुज जी आपका क्या विचार है इसमें कि जो निराशा और दृढ़ निश्चय दोनों का जो एक वो है तालमेल कहें या उनका जो संघर्ष है उसमें आप कहां पर अपने आप को पाते हैं? जी, निराशा और दृढ़ निश्चय की जो तालमेल या इनका जो संघर्ष है इसमें, और जैसा आपने अभी एक बात बताई है कि कहीं ना कहीं जो लोग ये बहुत जल्दी है, कुल मिला के मैं अगर उसको सीधे शब्दों में कहूँ तो लोगों का पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़, पेशेंस, क्योंकि वो बिल्कुल खो चुके हैं, उन्हें आज का रिजल्ट आज ही चाहिए। वो हम किसी दूसरे दिन के लिए या दूसरे वार के लिए दूसरे साल के लिए इंतजार नहीं करते। तो जब उस स्थिति का सामना होता है तो वो थोड़ा एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि आज की परिस्थितियां जब वो देखते हैं कि एक अंधी दौड़ में हम दौड़ते जा रहे हैं, उस दौड़ का क्या फायदा निकलेगा, कहां हम पहुंचेंगे ये भी हमें पता नहीं है, ना हमारा रास्ता हमारे पास है, बस हम दौड़ते जा रहे हैं। तो जो वो दौड़ है उस दौड़ में भी बस पीछे मुड़ के देखने की कोशिश कोई नहीं करता कि उस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया, आगे पीछे भी नहीं, मतलब पीछे तो दूर की बात है, लेफ्ट राइट भी देखने की, लेफ्ट राइट भी देखने की, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं इन्हें हम कैसे जो संकल्प और दृढ़ निश्चय करके और इन्हें एक साथ ला सकें और इनके बारे में विचार कर सकें तो शायद हम कुछ बदलाव की तरफ फिर से पुनः देख पाएंगे। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि आज एक जमाना था जब जिसके पास साइकिल नहीं होती थी, जो पैदल चलता था वो साइकिल के सपने देखता था, जो उसके पास साइकिल आ गई वो मोटरसाइकिल के देखता है, जिसके पास मोटरसाइकिल आ गई वो कार के, जिसके पास कार आ गई वो आजकल, अभी थोड़ी देर पहले बीरेंद्र ने कहा कि कार से हवाई जहाज पर कब जाओगे, सीधा हवाई जहाज, बीच में हेलीकॉप्टर का फेज भी नहीं चाहिए। तो ये चीजें है कि हमने वो स्पीड इतनी तेज कर दी अपनी कि शायद हम अब ब्रेक भी लगाएं तो क्या होगा ये हमें खुद को भी पता नहीं है। सही बात है जी, थैंक यू। नहीं नहीं, आप सबका शुक्रिया। तो अब हमारे पास करीब 10-15 मिनट है रैप अप के लिए, तो रैप अप में आप लोग क्या शेयर करना चाहेंगे? बट मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि मुझे भी आपको एक कहानी सुनानी चाहिए। तो हमारे एक मित्र थे और मेरे मतलब बुजुर्ग थे वो मेरे, और मेरे मेंटोर रहे देवेंद्र भाई, वो जो सेवाग्राम में, आप लोग जब सेवाग्राम गए थे आप लोग मगन संग्रहालय जरूर गए होंगे, मगनवाड़ी, तो देवेंद्र भाई मगनवाड़ी
के डायरेक्टर थे और सेंटर फॉर साइंस फॉर सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस भी उन्होंने बनाया। तो वो एक बड़ी सुंदर कहानी बताते, वो कहते क्यों आपकी पेशेंस वाली बात से मुझे कहानी याद आई छत्रपुर जी। वो कहते थे देखो सामाजिक परिवर्तन और दही बनाने में बहुत सिमिलैरिटी है। बिरेन तुमने शायद ये मेरी कहानी सुनी हुई है। तो वो कहते थे देखो उसके लिए क्या है कि पहले तो ये है कि जाग ही चाहिए, दूध से दूध है आपके पास और दूध से ही वो डालोगे एक और चम्मच दूध डालोगे तो वो दही नहीं बनेगा, नींबू डालने से भी नहीं बनेगा, आपको जामुन ही चाहिए तो स्टार्टर तो चाहिए। और उनका कहना था कि ये जो देखने में इक्का दुक्का कार्यकर्ता आपको समाज में दिखता है ये स्टार्टर होते हैं। अच्छा फिर वो कहते थे कि अगर आपको एक गैलन दही जमाना है मतलब एक गैलन दूध को जमाना है तो फिर उसमें एक चम्मच से काम नहीं बनेगा, उसके मुकाबले की आपको दही चाहिए। मतलब मिल्क एंड स्टार्टर दोनों में कुछ रेशियो जो है वो अप्रोप्रिएट होना पड़ेगा। तो इसलिए जो ये जो परिवर्तन चाहने वाले और उसके इच्छुक जो लोग हैं उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा है। ये देखिए बीरेन जी लगे हुए हैं, अब आप उनके तरह आप भी लग जाएंगे और लोगों को तैयार करने में। फिर तीसरा स्टेप ये है कि टेम्परेचर ठीक होना पड़ेगा। अगर दूध बहुत गर्म हुआ तो नहीं बनेगा दही, बहुत ठंडा हुआ तो भी नहीं बनेगा। तो अगर हम अपने कार्यों में इतनी उत्तेजना बढ़ा देंगे कि खलबली मच जाएगी तो उसमें भी रचनात्मक परिवर्तन नहीं होगा। और अगर हम बिल्कुल सोचें कि हाँ चलो 100-150 साल में हो जाएगा, चलो अभी बैठ के यहाँ हम खाली एक किताब वो कुछ आई डोंट नो एक पेड़ लगाते हैं और बैठ के बस उसको देखते हैं अगले 10 साल के कितना रोज कितना बड़ा होता है, तो उससे भी इन टू मच इन एक्शन से भी नहीं होगा। तो दैट ही सेड इन सोशल टर्म्स इट मींस एटमॉस्फेयर को तैयार करना। आपने सभी ने जितनी भी बातें कही वो सब एटमॉस्फेयर को तैयार करने की है। सो दैट इज द दूध का टेम्परेचर। देन ही सेड इसको खाली उस तरह से छोड़ दोगे अगर सब ये तीनों चीजें सही हो गई और आपने डाल दिया, पर डाल के छोड़ दिया तो नहीं होगा, उसको हिलाना पड़ता है। और उसका उनका कहना था कि सामाजिक और राजनीतिक परिपेक्ष में हिलाना मतलब संघर्ष, एजिटेशन भी चाहिए, जब जरूरत हो तो एजिटेशन का भी रोल है, उसके बगैर भी नहीं होगा। एंड पांचवा सबसे मुश्किल है ही सेड, सबसे बहुत लोग चार कंडीशंस पूरी कर लेते हैं वो पांचवी पे उनका नंबर कट हो जाता है, वो है पेशेंस। अगर आप बार बार उसमें चम्मच मारते रहेंगे या हिलाते रहेंगे कि अरे वो दही जमा के नहीं तो वो नहीं जमेगा। सो अब ये बहुत कठिन प्रश्न है कि भाई पेशेंस कहाँ खत्म होती है और लेजीनेस कहाँ शुरू होती है। तो इस क्या कहें मिस्टीरियस सवाल पे मैं वापस आप लोगों की तरफ आती हूँ और आप लोग अपने जो भी आपके रैप अप में विचार हैं, प्रश्न हैं या आगे जाने के रास्ते के बारे में आप कुछ भी अगर अपने साथियों के साथ हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज आप। आशा जी आप ही से शुरू करते हैं, इन योर क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज और रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन जो आपका मन करे। मेरा स्पेशली मेरा लाइफ में ये एक चीज फॉलो कर रही हूँ तो मैं आज बोलना चाहती हूँ सबका सामने। तो इसे डरा मतलब स्पेशली मैं थोड़ा जेंडर से रिलेट कर पाती थी, फीमेल हूँ, बहुत बैकवर्ड कम्युनिटी से आती हूँ, लोग कैसे मेरा सोच को ले पाता है ऐसा करके। तो मुझे बार बार कुछ नजदीक लोग डराते थे तो ये सोसाइटी में सच बोलने से आपको पनिशमेंट मिलेगा।
तो मतलब थोड़ा सच को अल्टरनेशन मतलब अल्टरेशन करके बता दो, पूरा सच मत बता दो. अभी मेरा रिसोम से मतलब जर्नी से ये पता चला मुझे, तो सच बोलने से ही कुछ बदलाव आ सकता है. वो सच बोलने का हिम्मत रखना है, उससे एक पॉजिटिव मतलब चेंजेस आ सकते हैं, वो सस्टेनेबली रह सकते हैं. तो वही उम्मीद है, मतलब कोई भी चीज हो सच्चाई से ही वो मतलब ग्रो होगा और सस्टेन कर पाते हैं. ये थॉट से मेरा, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. कौन बोलेगा? विक्रम जी आप? तो दो चीजें मैं मतलब बहुत ही मुझे छुई है और उसको मैं आजीवन अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ. वो ये है कि कहीं पे भी कोई माहौल बिगड़ा हो या कोई भी परिस्थिति हो, वहां पे सिर्फ प्रेजेंट रहो, आपकी प्रेजेंस. और मैं यहाँ पे जितने भी साथी हैं उनको यही कहूंगा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, चलो छोड़ो नहीं होगा हमसे, पर हमारी प्रेजेंस क्या हम किसी भी परिस्थिति जो है वहां पे दे सकते हैं क्या? तो ये एक चीज को फॉलो करता हूँ. और दूसरी चीज ये मैं मानता हूँ कि दुनिया में, मैंने सुना था, मैं नाम सुन भूल गया हूँ, वीरेन ने मुझे सेंड भी किया था, कि दुनिया में कोई भी चीज आए, नफरत आए, हिंसा आए, कुछ भी चीज आए, पर वो क्या हमसे आ रही है? इतना श्योर कर दो कि वो हमसे ना आए. अगर इतना हो जाएगा तो मैं कहता हूँ कि काफी चीजें बदल सकती हैं. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. नेविश प्लीज. जो हम अभी बातें भी कर रहे हैं, क्लोजिंग है, क्लोजिंग. सॉरी नेविश, आपको वापस वो आपका वो माइक लगाना पड़ेगा जो पहले था ना, वो इट दैट वाज गुड. अभी अभी आवाज आ रही है? आ रही है. जी. तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी इन्फॉर्म्ड कितनी चॉइस, हम जो चॉइस है हमारी जो डिसीजन लेने में वो कितनी इन्फॉर्म्ड है, उस पर हमें थोड़ा सा अभी आज के सिचुएशन में थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है. क्योंकि अभी हम जो हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जो फ्यूचर में देख रहा हूँ, जो मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये कि अभी पेशेंस की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, तो फेक न्यूज़ भी हमारे सामने है जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी डेमोक्रेसी में. तो हम कितनी इन्फॉर्म्ड चॉइस बना रहे हैं, इस पे हम थोड़ा सा अपने आप को ले आए, थोड़े से स्लो हो जाएं, थोड़ा सा चीजों को परख लें, ये मैं कहना चाह रहा हूँ. थैंक यू. बिल्कुल. चतुर्भुज जी. तो क्लोजिंग में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक चीज और पे, जो पेशेंस की बात थी उसके साथ में एक चीज और जो मैंने महसूस की है, और मैंने कई बार उसको कई लोगों के साथ में जिक्र भी किया है, कि कहीं ना कहीं हमने हमारे विचारों को मतलब खुद की सोच को कहीं खो दिया, कि हम खुद नहीं सोच पाते, हम किसी दूसरे के विचारों को केवल आदान इधर से लिया उधर डाल दिया, और उसका एक जरिया एक मात्र डाकिया बनकर हम रह गए. तो हम हमारे विवेक को कैसे जगा पाए, हमारे विचारों को कैसे हम बात कर पाए कि किसी भी मुद्दे पे मेरे विचार ये हैं, मेरे विचार, ना कि हम किसी इधर से लेकर इधर डाल के उसको आगे बढ़ा देते हैं. तो जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे जी, बिल्कुल, तब तक शायद. हाँ जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंसान ये कैसे परख पाए कि भाई मैं खुद की राह पे चल रहा हूँ कि भेड़ चाल में चल रहा हूँ. भेड़ चाल चल रहा हूँ जी, बिल्कुल जी जी. खैर, मैं तो इसी विश्वास में जी रही हूँ कि समाज में हर समय लोग ऐसे रहते हैं जो देखने में लगेगा कि वो भेड़ चाल में चल रहे हैं, लेकिन उनका अपना जमीर जिंदा रहता है, होता है. और वो कहीं ना कहीं अंदर से खुद से परेशान रहते हैं. और हम को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि समय समय पर जो लोग
दिखते हैं कि वो बह गए उस क्या कहें तूफान के तेज रफ्तार के बहाव में, क्या पता कौन सा उनको किनारे पे पेड़ मिल जाए जिससे वो पकड़ के अपने आप को बचा लें और बाहर आ जाएं। क्योंकि देखिए समय के प्रवाह में मुझे लगता है समाज कभी भी पूरी तरह अच्छाई या बुराई की तरफ पूरी तरह से कभी नहीं जाता, ना पूरी तरह अच्छाई की ओर ना पूरी तरह बुराई की ओर। तो ये जो इसका इसको हम संतुलित करने की जो खोज है उसमें मुझे आप सबसे बात करके बहुत उत्साह बढ़ा, और आप सबको मेरी बिल्कुल दिल से शुभकामनाएं और मोर पावर टू यू। और बिरेन आप अगर कुछ, प्लीज आपकी बात नहीं सुनी हमने, आप कुछ अपने जाने जाने से पहले कुछ अपने विचार या अपने भाव, आपको कैसा लग रहा है आज के इस चर्चा के बाद, थोड़ा वो भी शेयर करिए प्लीज। थैंक यू रजनी जी, आइडिया वाज टू लिसन टू देम। लेकिन आपने एक सवाल पूछा कि क्या डर है या क्या डाउट है, तो एक डर तो मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब एक प्रिजनर को पता ही ना हो कि वो प्रिजन में है तो वो एस्केप करने का भी नहीं सोचता है, बिकॉज वो इतना कंफर्ट जोन में हम लोग आ जाते हैं that we don't think that we are in prison, we don't know, and that's how mind manipulation happens. But that is a fear which I see both for myself and for everything around, that we are in a state of denial, and that is a starting point. When you are in a state of denial, then you will not act because you don't realize that anything is wrong, right? तो ये एक बहुत बड़ा एक psychological issue है जो मुझे काफी चिंतित भी करता है। But then I'm also hopeful because उस कैद खाने, उस कफस के बाहर हम सब पंछी है उस कफस के अंदर, उस पिंजरे के अंदर, और उस पिंजरे के बाहर कहीं पर फूल खिलते हैं और वो फूल बुलाते हैं कि आ जाओ, अभी हम जवान है, अभी हम शादाब है, अगर आपको आना है तो अभी आ जाओ। तो since it is the end, I'll try to end with a couplet from Shad Azimabadi, के मुर्गा ने कफस को फूलों ने ए शाद ये कहला भेजा है। मुर्गा ने कफस इज द बर्ड इन द केज। मुर्गा ने कफस को फूलों ने ए शाद ये कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना है, ऐसे में अभी शादाब है हम। तो दीज पीपल गिव होप दैट बिकॉज एवरीवन इज वाचिंग यू एंड दैट वन स्टेप। एक कदम, एक मिनट, इस कविता का मोटा मोटा अंग्रेजी कर दो प्लीज। दैट्स अ टफ वन। ब्रॉडली जस्ट फॉर दोज हु वुड नॉट फॉलो द उर्दू। या इफ द फ्लावर्स हैव सेंट अ मैसेज to the caged bird, come if you like, we are still in our jawani, in our bloom, in our verdure, come soon if you like, yeah, otherwise it will be too late, we'll wither away. And I see hope in that. Mujhe usme bahut ummeed dikhti hai. People like these, ye pagal log, duniya mein pagal logon ki zarurat hai, aur पागल पागल लोगों से दुनिया आगे बढ़ती है, फॉर गुड और बैड। एंड ये जो पागल लोग है, और बहुत सारे ऐसे है, I'm confident of that, और इनको देखकर something will shift, oops, I'm in a cage, I'm in prison and I need to act, and I think that gives me hope. Thank you रजनी जी। नहीं नहीं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को मेरा दिल से क्या कहें मुबारक, आप लोगों की इस जर्नी पे आप लोग लगे हैं उसके लिए और आगे के लिए मेरी बिल्कुल दिल से शुभकामनाएं। एंड आई नो कि हम लोग संपर्क में रहने वाले हैं और आपके ऑन गोइंग कहानी को मैं बहुत उत्सुकता से देखने, समझने और टच में रहने की
मेरी बिल्कुल उम्मीद है. सो थैंक यू सो मच.